नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। बोला कल से वहाँ पे बॉर्डर वाला काम शुरू हो जाएगा, वो पूरे 200 बीघा उसकी पैमाइश होके इन 100-125 काश्तकारों को मिल जाएगी। तो मैंने उनको वादा किया कि परसों तक, वो बोले परसों तक खत्म भी कर देंगे। तो अगर जो परसों, तो मैंने बोला फिर मैं नर्सों मिठाई खाने आऊँगा, है ना। तो सब बड़े खुश थे। तो मेरे अभी साथी ने बोला कि एक बात ये जो हुई है अच्छी बात, वो कम से कम बता दूं आप लोगों के संज्ञान में होना चाहिए कि क्या काम। कोशिश यही है कि जो लोगों के मुद्दे हैं वो उठा उठा के हर चीज़ में, ज़रूरी नहीं है कि मुझे तो यहाँ का प्रशासन इतना सही लगता है कि आपको ज़्यादा, अगर जो आप मतलब की बात करोगे, पब्लिक से संबंधित बात करोगे, तो ये लोग मदद कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लास्ट टाइम जब आया था पिछले हफ्ते की, तो यहाँ पे जाम लग रहे थे, तो पीस कमेटी से भी अक्षत जी की बात हुई थी, फिर उन्होंने इसका भी फीडबैक लिया, तो हमने बोला कि ट्रकों को रोको, फाइन दो, फाइन लगाओ उन पे। और अगले दिन मैंने, शुक्ला जी आपका आज बांगरमऊ आने का उद्देश्य कुछ मैं जानना चाहता हूँ। कटियार जी, मैं हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन क्षेत्र में बिताता हूँ। आज का एक मुख्य उद्देश्य था कि जो नहर है, जो कि करीब 50 गांवों को पानी सप्लाई करती है, गौसा कुतुब के पास, जोगी कोट के पास से गई है, उसमें बहुत सालों से पानी नहीं आता। आज हमने उस नहर में मुआयना किया और जो प्रशासन है उनसे बात की और सिंचाई विभाग से भी बात हमारी हुई। मंडे को हम उसमें एक ज्ञापन SDM साहब को देंगे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो माइनर है नहर का, उसकी सफाई करके और जो उसकी दीवारें हैं उसको मजबूत करा के फिर से उसमें पानी का प्रवाह शुरू कराएंगे, जिससे करीब 50 गांवों के काश्तकारों को फ़ायदा होगा। जी, हमारा ये भी कहना है कि आप इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए क्या आपका विचार है, जो डूबी हुई पार्टी को कैसे आप उभार सकते हैं? तो मैं तो किसी तरह से नहीं मानता कि डूबी हुई है, और ये मेरे कहने का क्यों, क्योंकि जिस भी आप गांव में जाएं, आप अपने आप जाएंगे और लोग मुझे बताते हैं, ये मेरा पट्टा देखते ही, कि आप उनसे मिले वो कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेसी परिवार है। तो हर गांव में अभी भी कांग्रेसी हैं। मेरा बस इतना काम है, सबको एक सिरे से जोड़ देना। जिस दिन मैं इसमें सफल हो गया, उस दिन कम से कम बांगरमऊ में कांग्रेस फिर से खड़ी हो जाएगी। और देश में तो आप देख ही रहे हैं, अभी अभी महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी है, बैसाखी पे खड़ी हो गई, यहाँ भी बैसाखी पे खड़ी करेंगे क्या? नहीं, यहाँ तो मैं अपने दम पे और अपनी मेहनत पे और अपने कांग्रेस के जो मेरी टीम साथ में आप देख रहे हैं, सशक्त टीम है, इनकी मेहनत पे कांग्रेस को खड़ी करूंगा। क्या माना जाए, बिखरे हुए मोतियों को एक लड़ी में पिरोना चाहते हैं, आपका उद्देश्य यही है? मैं अपने सारे कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर संघर्ष करना चाहता हूँ, जनता के विषय की बात उठाना चाहता हूँ और उनके साथ मिलकर फिर से यहाँ पे कांग्रेस की विजय स्थापित करना चाहता हूँ। शुक्ला जी, ऐसी नाजुक स्थिति में पार्टी ने आपको इतनी बड़ी बागडोर दी है, इस पे आप कितना खरा उतरना चाहते हैं? मैं पहले, जैसे आप सबको ही ज्ञात है, मैं पूर्व फौजी हूँ, तो संघर्ष करना मैंने अच्छी तरीके से सीखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में हम यहाँ पे विजयी होंगे। आपको जैसे पता ही होगा कि ये सारे फैसले हाईकमांड और जो प्रदेश का नेतृत्व है और देश का नेतृत्व, वो काफ़ी आगे जाके करती है। अभी 2 साल 4 महीने हैं, तब तक मेरा काम है कि जनता से आवाज़ निकले कि शशांक शुक्ला हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, तो जब ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी तो सारे फैसले अपने आप हो जाएंगे।